कुछ दुखदायी बात हम बताते हैं आपको। एक डेढ़ साल पहले मैंने देखा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो रहा है। वहाँ तो तब लोग स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते थे ट्रंप के विरोध में, ये सब होता था। एक मैंने देखा कि कई प्रोटेस्ट हुए बाय इंडियन स्टूडेंट्स अगेंस्ट समथिंग इन इंडियन गवर्नमेंट, कुछ सी ए एन आर सी कुछ भी, देयर इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो मैंने उन स्टूडेंट से बात किया था, आई स्पोक टू देम, यू सी हैव यू एवर नोटिस्ड किस इतने सारे देश से स्टूडेंट्स से वहां पर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कभी देखा किसी देश के स्टूडेंट अपने देश के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं इन इंटरनेशनल फील्ड? कभी नहीं, आई नेवर सॉ इट। एंड दे ऑल्सो कुड नॉट से, हाँ ऐसा तो कभी नहीं देखा। क्या उन सब देशों में कुछ गलत नहीं है? इंडिया से बहुत ज्यादा बुरा हाल है उधर, मेनी मेनी कंट्रीज मच वर्स। तो ये क्यों कर रहे हैं? अब क्यों कर रहे हैं? द रियल रीजन इज, ये बहुत खतरनाक रीजन है। इट्स नॉट रियली कि मैं ये पॉलिटिकल इशू को सपोर्ट करता हूं, हमारा गवर्नमेंट या कोई कुछ खराब कर रहा है उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करें, दैट यू कैन डू। बट मैंने काज एकदम नजदीक से देखा कि द रियल रीजन एक अपने ऊपर हीन मानसिकता है। आई टेल यू, दे मे सी, सम ऑफ द स्टूडेंट्स मे सी, उनका बुरा भी लग सकता है कि मैं बोल रहा हूं उनके बारे में ऐसा, लेकिन इट्स नॉट जस्ट देम, इट्स इन ऑल ऑफ अस, उसमें है। द रियल रीजन आई एम प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट माई कंट्री माई गवर्नमेंट सम पॉलिसी इज, मैं अपने जो गोरे फ्रेंड्स हैं वाइट स्किन बॉयज एंड गर्ल्स इन माई क्लास उनके सामने हीरो बन सकूं। अपना देश अपना कल्चर को गाली देना एक हीरो बनने का एक तरीका है, गलत तरीका है और बाउंड टू फेल। आप हीरो नहीं बन सकते, दे विल नॉट रिस्पेक्ट यू। लेकिन कहीं लगता है हम इनसे नीचे हैं तो कैसे इनके बराबरी करें? आई एम ऑल्सो वेरी कूल, बींग कूल इज, आई एम ऑल्सो वेरी कूल, आई कैन क्रिटिसाइज माई कंट्री, मैं इतना यू नो फॉरवर्ड थिंकिंग हूं। आई नेवर सॉ दैट सेम थिंग इन एनी अदर स्टूडेंट ग्रुप, अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। इट कम्स फ्रॉम अ सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी, अपने ऊपर श्रद्धा नहीं है इसलिए अपने अपने देश के ऊपर श्रद्धा नहीं है। लुक एट द डिफरेंस इन वॉट स्वामी विवेकानंद डिड मोर देन 100 years ago। वन ऑफ द स्पीकर्स पॉइंटेड आउट गोइंग देयर एट दैट टाइम व्हेन दिस कंट्री वॉज कॉलोनाइज, व्हेन दिस कंट्री वॉज डेस्परेटली पुअर, पीपल वर स्टार्विंग, इलिटरेट, अंडर अ फॉरेन पावर, सब लोग नीचा दिखते थे भारत को।